वेलकम टू पाकिस्तान एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और आज एक लेजेंडरी चीज को एंजॉय करने लगे हैं आप लोग। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये यार ये वाली वीडियो सुबह के टाइम आई है, तो सुबह मतलब अभी कुछ घंटों पहले ही आई है। तो हमें यार इसका बहुत ही ज्यादा लोगों ने बोला, मैं कहता हूँ आज से ज्यादा लोगों ने, कि इस पे रिएक्शन दिया जाए। कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई, कमेंट सेक्शन में भी बोला है, इंस्टा पे भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। तो हम आ गए इसके ऊपर रिएक्शन करने। अब देखते हैं, हमने खुद नहीं देखा अभी तक, हम आपके साथ स्पेशल जो है ना हमेशा वीडियो इसलिए देखते होते हैं सारे, कि ताकि मतलब वो मजा आए। हम पहले तो अभी नहीं देखते, कभी भी नहीं देखते। तो भाई इंट्रो दे रहे हैं आप। तो मेरा नाम है मैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यार इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रोर ऑफ आर 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 मैकिंग। आज हम देखने लगे हैं जो NTR रामचरण अजय देवगन आलिया भट्ट की जो मूवी आने लगी है RRR, जिसका नाम है। अब इसके स्टैंड फॉर क्या बनता है वो हमें खुद नहीं पता। इसका हमने इससे पहले वो देखा था, थोड़ा सा टीजर आया था जिसमें बहुत उसने धूम मचाई थी और यार उस पे हमने रिएक्ट भी किया था, लेकिन वो वीडियो ब्लॉक हो गई थी। अच्छा। बस किस्मत ही बूटी दी भाई। तो आज उसकी मेकिंग आई है, तो यार काफी ज्यादा लोगों ने हमें बोला कि यही चीज होगी और शायद इसी से प्रमोशन स्टार्ट हुआ आप इसकी, हो सकता है। हाँ, क्योंकि मतलब ये वीडियो दिखाकर जो मेकिंग है वो किस तरह क्या होता है, मतलब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं इस वीडियो से कि मतलब क्या क्या होने वाला है। मतलब एक आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेलर पता नहीं कब आए इसका, ट्रेलर भी इसका कब आए कब नहीं, हमें तो सच में यार ऐसी जल्दी से देखते हैं मेकिंग। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये मतलब ये सिर्फ मेकिंग बताई जाए, ये ब्रिटिश भी है, भी है। ये क्या मतलब सीन क्या है समझ नहीं आई। ये मेकिंग बताई जा रही है, मतलब किस तरीके से बनाया है उन्होंने जंगल में। हाँ, बहुत लोग भाई लिए जाते हैं एक मूवी के लिए, सेट बनाया जाता है। ये देखो वो, मतलब वो कैसा था और वो बना पीछे से कैसे। हाँ, लाइटिंग सारा कुछ, पूरे पूरे सिटीज बनाए जाते हैं इनके लिए। हाँ भाई, अच्छा ये कोई बड़ा अंग्रेज गोरा रखा है ब्रिटिश बनाने के लिए। हाँ, ब्रिटिश मतलब मेरा आइडिया इसमें कोई ब्रिटिश वगैरह वाला सीन। हाँ, ओ कमाल की मेकिंग है भाई। इतना ही हीरो इतना उठता है, कैमरामैन को भी उड़ाया है, कैमरामैन को भी उड़ाया है। वाह यार, एक मूवी के पीछे इतना कुछ होता है यार। इस मूवी ने इतिहास रच देना है, सच में जिस तरह की मेहनत इसके ऊपर की गई है ना, ये बंदा मुझे डायरेक्टर अजीत जैसा लग रहा है भाई। और बंदा भाग रहा था आगे, गाड़ी पीछे पीछे बंदा भाग रहा है और वीडियो बन रही है, देखो। ओ अजय भी है, अजय भी है टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021, मतलब अक्टूबर में मूवी आ रही है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो मतलब चलो डेट पता लग गई, डेट पता के मतलब 13 अक्टूबर को मूवी आ रही है। मजा आएगा यार, अगर आ गई है सिनेमाज में यार इसको करना, क्योंकि यार मजा तब पूरा होगा कि मूवी सिनेमा में। और उस टाइम तक हम पूरी उम्मीद रखते हैं, पूरी उम्मीद है हमें कि यार उस टाइम तक ये खत्म हो चुका होगा यार, इस कोरोना से मनुष्यत से चांद छूट जाएगी वहां तक, हम ये उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात, इस मूवी की मेकिंग जो थी वो बहुत ही कमाल की मुझे लगी भाई। इसमें यार मेरा फेवरेट जो एक्टर है साउथ का, दो फेवरेट एक्टर जो मतलब जिनकी मैं मूवीज देखता हूँ, रामचरण मड्डा गिरा जिसकी मूवी थी वो मुझे बहुत ज्यादा इनकी मूवी अच्छी लगती है, और NTR यार उनकी वो एक मूवी है जिसमें भाई इन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है और वो जिसमें काफी आईक्यू यूज करते हैं, लड़की को मिलवाते हैं उसके बाप को जो धोखा देता है वो। यार मैं कहता हूँ बहुत कमाल की थी यार वो, यार मैं कहता हूँ कमाल की मूवीज दोनों की होती है, और अजय देवगन बहुत कमाल का एक्टर है इसमें कोई शक नहीं है, बहुत। और सच में बताऊँ मुझे
ये मूवी अभी देखी है ना, मुझे कुछ कुछ आइडिया हुआ, पहले तो टीजर मतलब देखा ना भाई। हाँ। यार आजकल वो मतलब एक लिहाज से बंदा देखे कि मतलब देखिए एक छोटा सा उन्होंने पंजा इस तरफ साथ दो हाथ मिलाए ना, आगे देखा तो लेकिन इफेक्ट लगा कि उसको किस तरह बनाया गया यार, मतलब कैसी इनके पास मतलब। नहीं मैं थोड़ा सा देखा है ना जिस तरह मतलब ऐसा ही कह सकते हैं कि प्रमोशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये फुल वीडियो मेरा जितना ख्याल है ना ये गोरो के खिलाफ होने लगी है, फुल यार जितना वहाँ लग रहा है, लग रहा है ब्रिटिश के खिलाफ साइड के बारे में। उसके बाद आपस में बताया क्योंकि बीच में एक कहीं गोरा से भी पकड़ के लाए जिसको ताज बिठाया और गोरे सैनिक भी थे बीच में, गोरे सैनिक भी थे, मतलब ये मिल जाते हैं इंडिया में, हर चीज मिलती है। और लोग जिस तरह सेट बनाए हुए हैं, जिस तरह हवेली टाइप बनाई हुई है, मतलब मजे की बात है। एक मूवी के लिए कितने धमाके, कितनी आगे लगाई गई, कितनी जगहों पे मतलब बिल्डिंग गिराई गई, एक मूवी के लिए कितना मतलब खर्चा होता है। तभी तो कहते हैं 125 करोड़ इस पे लगे, 160 करोड़ इस पे लगे, 200 करोड़ की ये मूवी रही है इसी वजह से। तो ये और मजे की बात ही है वो जो एक लेडी जो बाहर निकली है भागकर, मतलब मेरा जितना ख्याल है उनका भी रोल मैन होगा या किसी की माँ होगी या कुछ भी। और दूसरी बात ये रामू जी फिल्म इंडस्ट्री में शायद हुई हो बनी हो, मुझे सबसे बड़ी फिल्म वो है ना सिटी है, फिल्म सिटी है तो शायद रामू जी में बनी हो क्योंकि या अपने साइड भी लगा लेते हैं। रामू जी में वैसे जंगल है, ये तो कुछ जंगल में भी भाग रहे थे यार। यार भाई जंगल वाला सीन जंगल में कर लिया होगा ना, थोड़े बहुत अब थोड़े बहुत पत्ते लगा के फुल जंगल कौन जलाने देता है, मतलब पत्ते डाल के थोड़ा और वो बना देता है। लेकिन यार एक बात बताओ, इस मूवी ने कमाल से सिर्फ हमें वर्क इन्होंने बताया कि किस किस तरह किया ये, और जिस तरह हमने इसका टीजर देखा था उसके अंदर एनटीआर क्या होता है बिल्कुल बॉडी वाली शेप बाइक जो आ रहे होते हैं जंगल में बैठा होता है, कुछ जंगल में लगता रहता होगा एनटीआर। हाँ, हाँ, मतलब इस तरह कोई वाइब्स आ रही है जंगल का सीन। हाँ, हाँ, मतलब बहुत और खून निकल रहा होता है उसका, खून निकल रहा होता है बिल्कुल। आपने टीजर देखा था ना भाई, बहुत ही कमाल का, वो हमने रिएक्ट किया था यार, ब्लॉक हो गया था बस मुझे उसका दुख है। तो ये आप ब्लॉग ना हो तो ये आपको मिल जाएगा सीरियसली, और जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेकिंग होने लगी है यार बहुत ही कमाल की, मुझे सीरियसली मैं बोलूं मेकिंग मुझे लगी है, मुझे खुश लग रही है। आप लोग बताएं आपको कैसी लगी और किस किस को इस फिल्म से उम्मीदें हैं। यार मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वैसे भी साउथ की मूवीज आजकल, साउथ की ऐसी मूवीज हो गई है कि उसमें आजकल बॉलीवुड स्टार भी काम कर रहे हैं। एक टाइम होता था साउथ के स्टार बॉलीवुड में काम करते थे, लेकिन आज दौर देखे वही बॉलीवुड के स्टार साउथ में, साउथ कुछ भी हो यार, लेकिन एक बात होती है स्टोरी की, स्टोरी जिस मूवी की जानदार होती है ना, इसकी हमेशा हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी स्टार होगा ना वो कभी भी इस तरह की बेतुकी सी मूवी नहीं बनाएगा, बिल्कुल कोई जो है ना उसकी उसकी स्टोरी इस किस्म की होगी। तो मुझे स्टोरी बहुत कमाल की लग रही है, दमदार लग रही है, ब्रिटिश है तो मजा आने लगा। आप ओरिजिनल जब ट्रेलर आएगा तो हम देखेंगे क्या है क्या है। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना यार, बाय।